बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्ट्रैक्शन स्टोरीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो मेनी टॉपिक्स आज, पेज नंबर 40 से 45, और ये हमारी एक्सप्लेनेशन नंबर 9। ठीक है, ये हमारी मैथ्स की बुक है और ये रहा हमारा आज का टॉपिक, मेकिंग सब्ट्रैक्शन स्टोरीज। What subtraction stories can you make from the picture? Picture से हम क्या subtraction story बना सकते हैं? Subtraction का मैंने आपको कल बताया था, subtraction का मतलब होता है कम करना। ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म करना या कम करना या कहीं दूर ले जाना। ठीक है, away का word हमने कल याद किया था ना, इसी तरह हमने ये वाला याद करना है आज कि subtraction story क्या चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है। व्हाट सब्ट्रैक्शन स्टोरी कैन यू मेक फ्रॉम द पिक्चर्स? देयर आर 7 रैबिट्स, 1 रैबिट इज ब्लैक, द रेस्ट ऑफ द रैबिट्स आर वाइट। यहाँ इस पिक्चर में देखिए 7 रैबिट्स हैं, सही है, एक रैबिट ब्लैक है और जो बाकी के रैबिट्स हैं वो क्या हैं? वाइट हैं। ठीक है, कितने रैबिट्स हैं? 7 रैबिट्स हैं। ठीक है, 7 में से, 7 रैबिट्स में से एक ब्लैक है, सो रिमेनिंग जो रैबिट्स हैं वो 6 हैं, और जो 6 रैबिट्स हैं वो कौन से वाले हैं? वाइट वाले हैं। सही है, टोटल मिला के 7 रैबिट्स हैं, 7 में से 1 ब्लैक वाले को हटा दिया हमने, अवे कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, सो कितने बचे हमारे पास? 6 रैबिट्स, और 6 रैबिट्स कौन से वाले बचे? वाइट वाले। सही है, 6 ऑफ द रैबिट्स आर वाइट, जो 6 रैबिट्स हैं वो सब कौन से हैं? वाइट। ठीक है, यहाँ क्या है? 10 कैरेट्स हैं हमारे पास, काउंट कीजिए मिला के मेरे साथ कितने कैरेट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देयर आर 10 कैरेट्स, द रैबिट्स पुल आउट 7 कैरेट्स। रैबिट्स ने क्या किया? ज़मीन में से 7 कैरेट्स को खींच लिया खाने के लिए। सही है, तो कितने रैबिट ज़मीन के अंदर रहे हमारे पास? 3 रैबिट्स, देयर आर 3 कैरेट्स लेफ्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 to 4। अच्छा, ये है हमारे पास एक्टिविटी कॉर्नर, लेकिन हम इसे तब सॉल्व करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके पास आएँ वो हम तब सॉल्व करेंगे जब हम फेस टू फेस स्कूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नीचे आइए, नीचे का पेज देखिए क्या है, प्रैक्टिस पार्ट है हमारा। फाइंड द मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स को फाइंड कीजिए, ये आपने खुद करना है। यहाँ क्या लिखा है पढ़िए मेरे साथ, देयर आर 10 शीप। कितनी शीप से सब मिला के पूरी पिक्चर में? 10, कितनी है? 10, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी शीप हैं? 10 शीप, 10 शीप आर ब्लैक। ठीक है, सही है, देयर आर 10 शीप, डैश शीप आर ब्लैक। अब यहाँ पूछेंगे कितनी शीप ब्लैक हैं, यहाँ लिखना है उस नंबर को लिखना है जितने नंबर्स की शीप ब्लैक हैं, यानी कि यहाँ आएगा 2। कितनी शीप ब्लैक है हमारे पास? 2, 1, 2, यहाँ हम लिखेंगे 2। सही है, अब इस 10 शीप में से हमने 2 ब्लैक को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सो 10 माइनस 2 यहाँ आएगा वो नंबर जितनी शीप्स रिमेनिंग होंगी। अब मुझे बताइए, इन टोटल 10 शीप में से जब हमने 2 ब्लैक हटा दी तो कौन सी बची? वाइट शीप बची, तो वाइट शीप को हम काउंट करेंगे फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी बची? 8। सो टोटल शीप 10 थी, 10 में से हमने ब्लैक वाली सब्ट्रैक्ट कर दी, हटा दी, तो हमने बची कौन सी हमारे पास? 8, 8 कौन सी वाली बची? वाइट वाली, 8 शीप आर वाइट, 8 शीप आर वाइट। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको किस तरह एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस पिक्चर को। यहाँ लिखा है देयर आर डैश शीप, कितनी शीप हैं टोटल? सबसे पहले हम टोटल में काउंट करेंगे, 10, 1, 0, 10। ठीक है, 10 शीप वॉक अवे, डैश शीप वॉक अवे, कितनी दूर चली गई? यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दूर कितनी जा रही हैं, यानी कि इस ग्राउंड में से कितनी दूर जा रही हैं? 1, 2, 3, 4, सही है, यहाँ आएगा 4। टोटल कितने शीप हैं? 10, और कितनी दूर चली गई? 4, 1, 2, 3, 4, सही है, सो 10 माइनस 4, सही है, और यहाँ क्या आएगा?
यहाँ वो आएगा जो ग्राउंड के अंदर शीप बज गई हैं। अब ग्राउंड के अंदर शीप जो बज गई हैं वो काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आएगा 6, सो 10 माइनस 4 इज 6, 6 शीप आर लेफ्ट, यानी ग्राउंड के अंदर कितने शीप बज गई, 6, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, सॉल्विंग पिक्चर प्रॉब्लम्स, पिक्चर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमारा नया टॉपिक्स है। हाउ मैनी ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, ग्रुप द चिल्ड्रन इन टू बॉयज एंड गर्ल्स, देर आर 5 बॉयज, सही है। इन बच्चों को हमने किस तरह से ग्रुपिंग करनी है, लड़कों को अलग, लड़कियों की अलग, सही है। देर आर 5 बॉयज, ये 5 बॉयज हैं और यहाँ गर्ल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जितने भी बच्चे होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, जितने भी कोई भी चीज़ हो, जैसे हमने लास्ट में शीप काउंट की थी, सबसे पहले सारे टोटल मिला के काउंट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास बच्चे, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ठीक है। अब 9 बच्चों में से 5 तो बॉयज़ हैं, ये हमें लिखा हुआ इन्होंने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो 9 टोटल बच्चों में से हमने बॉयज़ को अलग कर दिया, तो हमारे पास कितने बच्चे और कौन बचा, हमारे पास 4 नंबर बचे और 4 गर्ल्स बची, यानी 4 गर्ल्स हैं। 9 बच्चों में से हमने 5 बॉयज़ को अलग कर दिया तो 4 गर्ल्स बची, सो 4 ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो बाकी बच्चे जो बच्चियाँ हैं वो कौन, बाकी बच्चे जो हैं वो कौन हैं, वो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट ऑन द बस, बस में से कितने बाकी, बस में कितने चढ़े हैं ये बताना है, बाकी बच्चे कितने हैं और कितने उतर गए हैं, ठीक है। 9 है सब मिला के बच्चे, बच्चे कितने हैं, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बच्चे हैं, 3 उतर गए हैं, ठीक है, 1, 2, 3, यहाँ आया 3, और अंदर कितने बचे बस के अंदर, काउंट कीजिए मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, यानी बस के अंदर 6 बच्चे बचे, ठीक है, 6 चिल्ड्रन आर रिमेनिंग ऑन द बस, यहाँ क्या आएगा, 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप खुद से करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे घर पे, कि क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 1 क्लास में जो हमने की है वो किस तरह की है, जैसे कि 5 on my mind, 2 on my fingers, ये फिंगर मेथड हमने यूज़ किया है, आई होप आपको ये याद होगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह हमने इसको रखना है और सॉल्व करना है, 5 red apples हैं, 2 green apples हैं, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर टुगेदर, 5 plus 2 equals to 7 और 2 plus 5 equals to 7। अब हम रेड को पहले काउंट करें, ग्रीन को बाद में काउंट करें, या ग्रीन को पहले काउंट करें और रेड को बाद में काउंट करें, आंसर तो 7 ही आना है। जैसे मैं अभी करके बता रही हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने सबको एक साथ काउंट किया तो भी 7 आए। हम ग्रीन से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने ग्रीन से स्टार्ट किया, यानी पहले 2 apples को ग्रीन apples को काउंट किया तो भी 7 आया, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं, हाउ मैनी apples आर रेड, कितने apples रेड हैं, सो 7 total apples हैं, यानी जितने भी हमें गिवन apples हैं उन सबको हमने जब काउंट किया तो वो हमें निकले 7, और उसमें से रेड कौन से हैं और कितने हैं ये हमसे पूछ रहे हैं। तो हम इन सब में से जब ग्रीन को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास रेड वाले एप्पल्स का आएगा ना, तो 7 minus 2 equals 5, हाउ मैनी एप्पल्स आर ग्रीन, 7 minus 5 equals 2, सही है। रेड एप्पल हमारे पास आए 5 और ग्रीन एप्पल हमारे पास आए 2, सो इनका बॉन्ड क्या बना हमारे पास, सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या बना इसका, पार्ट 5, और जब पार्ट 2 को मिलाएंगे तो 7 बनेगा, यानी अगर 2 हिस्से हमें दिए हुए हैं जिनमें एक हिस्से में 5 हैं और एक हिस्से में 2 हैं, तो टोटल हिस्सा कितना बना, टोटल हिस्सा बना 7 का, सही है, 7 का पूरा एक होल बना, सही है। मेक अ फैमिली ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट, सही है, एक फैमिली बनाइए, सही है, उनको ऐड भी कीजिए और उनको सब्ट्रैक्ट भी कीजिए, सही है। जिस तरह आपने यहाँ क्या करना है, अपनी मदर से हेल्प लिएगा, अपने ट्यूटर से हेल्प लिएगा, यहाँ इनको ऐड करना सीखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम फैमिली बना के एडिशन करेंगे, जैसे यहाँ 4 pink bears हैं और 4 green bears हैं, सो 4 plus 4, एक तो ये हो गया 8,
ठीक है, इसी तरह 4 - 4 = 0, ये हो गया एक। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं 4 + 5 = 9, 9 + 4 + 5 = 9, सही है, और 5 - 4 = 5, ये भी हो सकता है। सही है, हम इसको इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। सही है, ये वर्कआउट भी आपने खुद से करना है, माइंड वर्कआउट है। ठीक है, थैंक यू फॉर लर्निंग थ्रू एफ सी पोर्टल। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, मुझे गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई एम योर टीचर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।